आरती को प्रणाम करते हुए आप सब केश गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चो बहुत सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। बच्चे जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो बच्चों की तो बहुत सारी चीज़ें स्टेक पर होती ही हैं, माता पिता की भी होती हैं। माता पिता के ख्वाब, माता पिता की भावनाएं, माता पिता का पैसा, समय, सब कुछ स्टेक पर होता है। प्रतिष्ठा भी बहुत सारे लोग अपनी स्टेक पर लगा समझते हैं। बच्चों का तो स्वास्थ्य भी स्टेक पर लग जाता है, प्रतिष्ठा तो लग ही जाती है, पूरा भविष्य स्टेक पर लगा हुआ होता है। इसलिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सफल होना ही है। लेकिन कॉम्पिटिशन में सफलता के बहुत सारे आयाम होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, तब जाकर कोई एक व्यक्ति किसी कंपटीशन में क्लियर करता है। और जो बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आदि 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 चीज़ों के परे जाकर भी एक चीज़ होती है, उस पर ध्यान सामान्यता नहीं देता, और वो चीज़ है एकाग्रता का स्तर, भूलने का स्तर, याद रखने का स्तर आदि आदि। ये सब बहुत महत्वपूर्ण है और भाग्य तो है ही। मैं चूँकि कॉम्पिटिशन्स का अब समय शुरू हो जाएगा, इसीलिए आज कुछ ऐसी टिप्स देना चाहता हूँ बच्चों को कि जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो इन्हें बहुत ध्यान से सुने, समझें, जिससे जिंदगी में उनकी उन्नति हो। सूर्य को मजबूत करना शुरू करिए बच्चों। देखिए, मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चे देर रात तक पढ़ाई करते हैं, वो सुबह बहुत जल्दी नहीं उठ पाते। मैं अभी नहीं कह रहा कि अब आप अपनी पुरानी रूटीन को एकदम चेंज कर दीजिए, क्योंकि इससे अव्यवस्था होगी आपके जीवन में और वह 3-4 दिन वेस्ट करेगी। लेकिन एक काम आप जरूर करना शुरू कर दीजिए, और वह कार्य ये है कि आप थोड़ी देर के लिए यदि अपनी नींद खोलकर सुबह सूर्य को जल दे दिया करें, उसमें रोली डालकर जल दे दिया करें, तांबे अथवा मिट्टी के बर्तन से, और जल देते वक्त आप जोर से गायत्री मंत्र का जप कर लिया करें, तो आपकी सफलता के चांसेस बढ़ने लगेंगे। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ बच्चों कि जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कभी भी अपनी बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को नीचे मत होने देना। यानी बहुत सारे बच्चे दिन रात बैठते हैं, पढ़ते रहते हैं, वो थकना शुरू हो जाते हैं, और जब एक्शन डे आता है तो वो एक्शन नहीं कर पाते, क्योंकि उनका दिमाग बहुत डल हो चुका होता है। नंगे पाँव सुबह शाम 15-15 मिनट भी यदि आप तेज़ गति से घास पर टहल लेते हैं तो यकीन जानना बच्चों, भाग्य तो मजबूत हो गई, दिमाग भी आपका खुलना शुरू होगा और इससे आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे। माता पिताओं से मैं खास तौर से ये कहना चाहता हूँ कि जिस वक्त बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है या कोई विशेष एग्जाम दे रहा है, उस वक्त उसको डराए ना, भविष्य की बहुत ज़्यादा चिंताएं उसमें उत्पन्न मत होने दें, उसको एनकरेज करें, चलो ढंग से पढ़ो और मेहनत करो। लेकिन उस पर चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं, उस पर दबाव एक्स्ट्रा क्रिएट मत कीजिएगा, इससे बच्चा बिखरना शुरू होता है। खासतौर से वो बच्चे जिनका मंगल कमज़ोर होता है वो किसी भी प्रकार का दबाव झेल नहीं पाते, या वो बच्चे जिनका चंद्रमा कमज़ोर होता है वह टूटना शुरू हो जाते हैं, और माता पिता की इस गलती की वजह से बहुत सारे बच्चे एग्जाम में जाकर नर्वस हो जाते हैं। एक काम आपको करना होगा, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। पहली चीज़ ये है कि इन दिनों किशमिश भिगो दीजिए, दूध में भी या पानी में, जैसा आप चाहें किशमिश भिगो दीजिए। कम से कम 10 किशमिश आपने भिगो दी, जब वो मोटी हो जाएं बच्चों को खाने को दे दीजिए। और एक चीज़ का माताएं बहुत ध्यान रखें कि इस वक्त में बच्चा बहुत तेज़ तेज़ तो नहीं खा रहा है, और यदि वो बहुत जल्दी जल्दी सटक रहा है, बहुत जल्दी जल्दी खा रहा है, तो उसको सिर पर हाथ रखकर समझाइए, ये कहिए आराम से, और आपके ये कहते ही आप देखेगा कि उस बच्चे के आत्मविश्वास में एक नया मोड़ आएगा, वो ज़्यादा अपने आप को बैलेंस्ड महसूस करने लगेगा और वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देगा। अश्वगंध की जड़ ये उन बच्चों के लिए है जिनका केतु बहुत ख़राब है, जिनका चंद्रमा बहुत ख़राब है, और वो बात बात पर डर जाते हैं, रोने लगते हैं या बहुत नर्वस हो जाते हैं। दिन रात पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन अच्छा कर पाएंगे इसको लेकर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है। अश्वगंध की जड़ को नीले रंग के धागे में उनके गले में शनिवार को सूर्य उदय से पूर्व या सूर्य अस्त के उपरांत पहना दीजिएगा। प्रभु ने चाहा तो उनकी नर्वसनेस में कमी आएगी। आप चाहें तो एक आध डंडी वह रोज खा भी सकते हैं। तो जो बात मैं आपको इंडिकेट करना चाह रहा था वो ये है कि जब हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं या जब हम धुआंधार मेहनत कर रहे होते हैं तो हम अपने भोजन का ध्यान नहीं रखते, और ऐसे टाइम पे मैंने देखा है पेरेंट्स भी बहुत जंक फूड खिलाते हैं बच्चों को, खूब सारी इधर उधर की चीज़ें पिलाते खिलाते हैं, लेकिन इससे आपके दिमाग पर और आपके शरीर पर बुरा असर पड़ता है।
बच्चों इस समय में भोजन बहुत सादा करो। स्ट्रेस जब होता है तो कभी कभी मन होता है खाते रहो खाते रहो खाते रहो, बिल्कुल खाओ, लेकिन खाओ घर की बनी हुई चीज़, खराब चीज़ मत खाओ, उससे आपके पेट पर बुरा असर पड़ेगा और यदि आपके पेट पर बुरा असर पड़ा तो निश्चित रूप से आपके दिमाग पर भी बुरा असर पड़ेगा। जिन बच्चों का सूर्य या चंद्र खराब होता है मैं उनसे हमेशा यही सलाह देता हूँ कि अपना भोजन पौष्टिक रखना, आपके लिवर को उसे पचाने में ज़्यादा मशक्कत ना करनी पड़े, अन्यथा आपके दिमाग पर उस भोजन का बड़ा बुरा असर पड़ेगा। आपको एक चीज़ बताता हूँ बच्चों, बहुत बार क्या होता है जब हम खासतौर से जिनका चंद्रमा कमज़ोर है उनके साथ तो ये अक्सर होता है कि जब हम कोई विशेष कार्य करने जाते हैं तो पेट में मरोड़े होने लगती हैं, वायु बनने लगती है, हार्ट हमारा एकदम भड़बड़ भड़बड़ करने लगता है, जैसे कलेजा मुंह को आने लगा ऐसा जो कहते हैं वो होने लगता है, घबराहट फैल जाती है। ये इसलिए है नंबर एक कि चंद्रमा खराब है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि या तो आप खा नहीं रहे हैं या अंडबंड कुछ भी खा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका शरीर कमज़ोर हो रहा है, पेट में गैस बन रही है और इसका नतीजा क्या निकलता है, आप नर्वस हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और इन दोनों केसेस में एग्ज़ाम में गलती होती है, ख़ासतौर से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जहां आपको बहुत ज़्यादा सोचने का समय नहीं होता। और मैं हमेशा बच्चों को ये एडवाइस करता हूं कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यदि देने जा रहे हैं तो क्वेश्चन को बहुत गहराई से पढ़ने के बाद एबिलिटी लाइए कि 30 से 45 सेकंड के अंदर उसका हल आप कर सकें, तब आपको बड़ी सफलता निश्चित मिलेगी। तो अब मैं आपको कुछ एक उपाय बताता हूँ, गांठ बांध कर रख लीजिएगा, इनसे आपको जरूर लाभ होगा, अब जरूर कर लीजिएगा। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनसे कभी कभी शनिवार को इन चीज़ों का दान करा लिया कीजिए, लिख लीजिए, कंघा, कोई भी तेल, बादाम, काला कपड़ा और नारियल, किसी भी गरीब को ये दान करवा दिया कीजिए। हर शनिवार भी करा सकते, महीने में एक बार भी करा सकते, लेकिन महीने में कम से कम एक बार अवश्य करा दिया कीजिए। और इसे कोई उतारना उतारना नहीं है, बस थैलिया में भरे, लेकिन बच्चे को खुद करना होगा, अन्यथा इसका कोई लाभ नहीं है। दूसरा उपाय, जिस बच्चे को कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी है या कर रहा है और उसे उसकी सारी प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है और उसे फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं है बहुत मेहनत करने के बाद, ऐसे बच्चे को रविवार के दिन अन्न त्याग देना चाहिए, अन्न ना खावे और जो मनाए सो खाए, अन्न ना त्यागे, अन्न ना खावे और गुड़ अथवा गन्ने से बनी हुई चीज़ें दान में दे दें और आप देखना ये अद्भुत उपाय, खास तौर से वो लोग जो गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या गवर्नमेंट में किसी हायर पोजीशन की वह तैयारी कर रहे हैं क्लास 2 या क्लास 1 अफसर के लिए, उन लोगों के लिए ये करना बहुत ही लाभप्रद होगा, करके देखिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, जिन लोगों का बड़ा ऊंचा मकसद है, जो बच्चे सोचते हैं कि इस कॉम्पिटिशन को क्लियर करने के बाद मैं इस हाइट पर पहुँच सकता हूँ, ऐसे बच्चे एक काम करें, जब वक्त मिले तो प्याऊ लगवा दें या हैंडपम्प लगवा दें या किसी गरीब के पीने के पानी का प्रबंध कर दें या कहीं वह जल का दान कर दें या जल का उपयोग लोग कर सकें, ऐसी किसी वस्तु का दान किसी सार्वजनिक जगह पर कर दें। और अब गुरु मंत्र, जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें चांदी के संपर्क में अवश्य रहना चाहिए, या तो चांदी की माला पहने, कोई अंगूठी पहने या चांदी के ग्लास में जल पीना शुरू करें। दूसरी चीज, यदि आपको सफलता मिलते मिलते रह जा रही है तो जो आपका अपना घर होगा, जहाँ से आप बिलोंग, जहाँ आपका जन्म हुआ है, मतलब जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जहाँ उनका जन्म हुआ है वहाँ यदि कुछ ऐसे लोग हों जिनकी आंखें नहीं हैं, फिजिकली चैलेंज्ड हों, उनकी मदद आपको करनी है, कैसे भी कर सकते हैं आप, उनसे मिलकर उन्हीं से पूछकर वह मदद आपको करनी है और ये मदद आपको शनिवार को नियमित रूप से करनी है। हर शनिवार आप जाकर नहीं कर सकते क्योंकि विद्यार्थी हैं, बहुत पढ़ना है, महीने में एक शनिवार को जाकर यह मदद ज़रूर कर लीजिएगा। तीसरी चीज़, ये माओं की जिम्मेदारी है, जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और बहुत स्ट्रेस रहते हैं उनको आप क्या करेंगे, सबसे पहले आंवला रस देंगे 3 बड़ी चम्मच 1 कप पानी में और उसके 5 मिनट के बाद फिर उन्हें एलोवेरा दे दीजिएगा 3 बड़ी चम्मच 1 कप पानी में। दूसरी चीज़, 5 बादाम 1 अखरोट उसको अच्छे से कूट कर और थोड़े से दूध में उसको उबाल कर
वह बच्चों को देना शुरू कर दीजिए। बहुत सारे बच्चों को बहुत स्ट्रेस होता है, इसकी वजह से उनकी टॉयलेट पर बहुत बुरा असर पड़ता है, कब्ज तक हो जाता है। तो ऐसे बच्चों को सुबह सुबह एक मुनक्के में ज़रा सी हींग रखकर दे दिया कीजिए हल्के गुनगुने पानी से, या रात में भी वह ये कार्य कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों, यदि आपको कब्ज हो गया स्ट्रेस के मारे, तो निश्चित रूप से आपके एग्जाम्स बिगड़ सकते हैं। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ, और वह ये है कि बच्चों, जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओ तो याद रखना, चांदी का एक छोटा सा चकोर टुकड़ा आपकी जेब में हो। ये बहुत मदद करता है आपकी, कैसे करता है क्या करता है वो जाने, लेकिन ये बहुत मदद करता है, ये आपको कूल रखता है। यदि आपको बहुत घबराहट या उत्तेजना होती है, तो दोनों अंगूठों में चांदी का छल्ला पहन लो, फैशन स्टेटमेंट तो है ही है, साथ ही साथ आपका ब्रेन बहुत अलर्ट रहेगा, शार्प रहेगा, कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जब तैयारी हो रही हो, तो इसे वॉर की तरह मत लीजिए। हाँ, स्ट्रेस होगा, होना भी चाहिए, मैं कैसे कह दूँ कि जीरो स्ट्रेस हो ही नहीं सकता, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं। लेकिन आप इतने स्ट्रेस, इतने दबाव में ना आ जाएं कि आपको ये लगे कि ये नहीं तो कुछ नहीं। इससे जो बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, वो बहुत स्ट्रेस में आ जाता है। आप आराम से खेलते खिलाते, पिक्चर देखते घूमते फिरते कॉम्पिटिशन की तैयारी कीजिए, और जो उपाय मैंने बताए ये करिए, तो निश्चित सफलता जरूर मिलेगी, चिंता मत करो। चले, राम राम, नमस्कार।